किडनी क्या है, शरीर में किडनी कहाँ पर होती है, किडनी के फंक्शन क्या क्या होते हैं, गुर्दा यानी किडनी का दर्द शरीर में कहाँ पर होता है और इस दर्द के लक्षण क्या होते हैं। आयुर्वेदिक होम रेमेडीज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी बातों की जानकारी देने जा रहे हैं। वक यानी किडनी, जिसे गुर्दे के नाम से भी जाना जाता है, यह एक आम आदमी के शरीर में जोड़े में होती है, यानी दो होती है। शरीर में इनका निवास स्थान रीढ़ की हड्डी की दोनों तरफ यानी बाई और दाई पसली के नीचे, लीवर के पीछे और बाई तरफ की ग्यारहवीं पसली के नीचे, पलीहा के पीछे पीठ की तरफ होता है। दायां गुर्दा बाएं की तुलना में थोड़ा नीचे होता है। विशिष्ट रूप से बायां गुर्दा दाएं की तुलना में थोड़ा बड़ा भी होता है। दोनों किडनियों का काम एक जैसा होता है और यह साथ मिलकर काम करती है। दोस्तों, किडनी के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। जैसे किडनी का रंग भूरा होता है। एक वयस्क गुर्दे यानी किडनी का वजन पुरुषों में तकरीबन 125 से 170 ग्राम के बीच और महिलाओं में तकरीबन 115 से 155 ग्राम के बीच होता है। इनका आकार बिल्कुल सेम के आकार के बराबर होता है, सेम के आकार के जैसा होता है। एक गुर्दा लगभग 11 से 14 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। किडनियों में करीब 10 लाख की संख्या में बारीक फिल्टर होते हैं, जिससे होकर शरीर का सारा खून हर घंटे में साफ और शुद्ध होकर निकलता है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि हमारे शरीर में किडनी क्या काम करती है, यानी किडनी के फंक्शंस क्या क्या हैं। वक या गुर्दे के जोड़े का मुख्य कार्य एक छलनी की तरह होता है, जिससे शरीर का सारा खून हर घंटे में दो बार छाना जाता है, ताकि नुकसानदायक तत्वों से यानी टॉक्सिन्स को मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जा सके। मूत्र पहले किडनी के अंदर इकट्ठा होता है, फिर इनके अंदर लगी एक नाली के द्वारा मूत्राशय में आता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके शरीर का 90% कूड़े करकट यानी टॉक्सिन्स को किडनियां ही बाहर निकालती हैं। खून में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को संतुलित रखने का काम किडनी के जिम्मे ही होता है। यह संतुलन बिगड़ा नहीं कि इसके खतरनाक परिणाम सामने आने लगते हैं। शरीर में रक्त कोशिकाओं के निर्माण और पानी की मात्रा, रक्त में एसिड और क्षार का संतुलन बनाए रखने का काम भी किडनियों के द्वारा ही किया जाता है। शरीर में अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उससे कोशिकाओं पर फर्क पड़ता है। ऐसे में शरीर में पानी का संतुलन बनाने का काम भी किडनियों के जिम्मे ही होता है। सबसे ज्यादा अहम कार्य शरीर में गैर जरूरी लवणों को मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालने का है। लवण पानी को सोखते हैं, लिहाजा खून में लवण की मात्रा ज्यादा होने पर पानी भी ज्यादा जमा होने लगता है, जिससे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और चेहरे और पेट आदि में सूजन आने लगती है। नतीजा यह होता है कि आपका दिल इस अतिरिक्त भार को, वजन को सहन नहीं कर पाता, जिस कारण हार्ट फेल जैसे बुरे नतीजे सामने आ सकते हैं। पोटेशियम, जो मुख्य रूप से भोजन और फलों में पाया जाता है, यदि शरीर में इसकी कमी हो जाए तो मांसपेशियां निढाल होकर अपना काम करना बंद कर देती हैं, और यदि इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो भी स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसकी अधिकता से आपके दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि कुछ समय के बाद आप लड़खड़ाकर गिर भी सकते हैं। दोनों गुर्दे 24 घंटे में लगभग 2 लीटर मूत्र मूत्राशय में जमा करते हैं, जो समय के साथ साथ बाहर निकल जाता है। वैसे रात के समय शरीर की सारी मांसपेशियों की तरह किडनी भी दिन की अपेक्षा कम काम करती है। इसका एक फायदा यह भी होता है कि रात में भी बार बार पेशाब के लिए उठना नहीं पड़ता। वैसे मूत्र की मात्रा पर सारा नियंत्रण तो मस्तिष्क का ही होता है, क्योंकि वह एक हार्मोन का स्राव करता है जो मूत्र को काबू में रखता है। वरना यदि किडनियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए तो यह संतुलन बरकरार नहीं रह पाएगा और इतनी मात्रा में मूत्र का निर्माण होगा कि शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है। यही कारण है कि शराब पीने के बाद लोगों में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। कारण ये भी होता है कि शराब मस्तिष्क को निष्क्रिय कर देती है और उसके द्वारा स्राव होने यानी सिक्रेशन होने वाले हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे किडनियां बेकाबू होकर मूत्राशय में ज्यादा मूत्र का जमाव करने लगती हैं। कुछ इसी तरह
कॉफी के अत्यधिक सेवन करने से भी होता है और बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। दोस्तों, किडनी की एक खासियत यह भी है कि यदि इसके भीतर मौजूद कोशिकाओं का 90% हिस्सा नष्ट भी हो जाए तो भी यह अपना काम बखूबी कर सकती हैं। इसलिए किसी एक गुर्दे का 2/3 हिस्सा भी दुरुस्त हो तो भी आप आसानी से जिंदा रह सकते हैं। और यही कारण है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके दोनों गुर्दे ठीक हों, वह अपना एक गुर्दा किसी अन्य व्यक्ति को दान भी कर सकता है जिसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हों। इसी कारण दोस्तों, हमारे शरीर में मौजूद इतने जरूरी और अविश्वसनीय अंग को हमें ज्यादा से ज्यादा समय तक स्वस्थ रखने के लिए चाय, कॉफी और शराब जैसी चीजों के सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि किडनी का दर्द शरीर में कहां पर होता है। दोस्तों, किडनी पेट के अंदर पीछे के हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ के हिस्से में स्थित होती है। इसी कारण पीठ के नीचे की तरफ होने वाले दर्द की एक वजह किडनी में पथरी के कारण होने वाला दर्द भी हो सकता है। बहुत बार लोग किडनी के दर्द को पीठ का दर्द समझ लेते हैं, क्योंकि किडनी का दर्द भी शरीर के पिछले हिस्से में ही महसूस होता है। लेकिन इन दोनों दर्दों में एक अंतर यह होता है कि किडनी का दर्द असहनीय, तेज और अति गंभीर होता है। किडनी के दर्द के लक्षण। किडनी का दर्द बहुत असहनीय, तीव्र होता है। किडनी के दर्द होने के लक्षणों में दर्द के साथ बुखार आना, पेशाब करते समय दर्द और जलन होना, जी मचलाना और उल्टी होना आदि शामिल है। शरीर के निचले हिस्से में दर्द होने के साथ अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि किडनी में पथरी होने पर होने वाले दर्द में सिकाई, मालिश, बाम, पेन किलर कुछ काम नहीं आती। डॉक्टर के द्वारा लगाए जाने वाला इंजेक्शन ही इस दर्द में आराम पाने का एकमात्र उपाय है। दोस्तों, गुर्दा यानी किडनी क्या है, यह कहां स्थित होती है और इसका क्या क्या काम है, इन विषयों पर हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी, यह कमेंट करके बताना न भूले। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आती है तो कृपया इसे अन्य लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और इस जानकारी को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।